हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी ये क्या है? एक स्क्वायर है। फोर इक्वल सेमी सर्कल आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट दे मीट ईच अदर एट ओ। तो ये देखिए, ओ पॉइंट ये है कि हमने जो चार सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, वो कुछ इस प्रकार से खींचे। जैसे ये देखिए, ये इस प्रकार से खींच रखे हैं कि ये ओ जो हमारा पॉइंट है उस पर मिलते हैं चारों के चारों। फिर क्या कह रहा है, साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर द रिस्पेक्टिव डायमीटर ऑफ द फोर सेमी सर्कल। तो ये ए बी बी सी सी डी और ए डी ये क्या है, ये इनकी डायमीटर है। बिल्कुल आप देख लो, जैसे ये ए बी ये एक अर्धवृत्त हो गया, तो ए बी क्या होगी इसकी डायमीटर, ऐसे इस वाले की क्या हो जाएगी बी सी। यही कह रहा है ये। ईच ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। और जो ये स्क्वायर है, ये ए बी सी डी तो स्क्वायर था ना, तो प्रत्येक साइड क्या है 8 सेंटीमीटर है। ये 8 होगी तो ये भी 8 होगी। ये 8 है ए बी, तो बी सी भी क्या है 8 है, सी डी भी क्या है 8 है, और ए डी भी क्या है 8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो ये येलो शेडेड रीजन होना चाहिए था, येलो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये जो पीला वाला है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे ये अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं आपको, जैसे ये एक पीला पत्ती जैसा है, ठीक है। मैं ये पत्ती वाले जो जैसे हैं, ये पीले वाले हैं, इनको एक्स नाम दे देता हूँ, एक्स। और ये स्क्वायर में बन रही, तो इतना तो आपको सिमेट्री दिख रही है कि हर अर्धवृत्त की क्या है, हर सेमी सर्कल की डायमीटर सेम होगी। और अगर ये सेम है तो ये कुछ इस प्रकार से कटेगा, इन सबका एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या होगा, इन सबका एरिया सेम होगा। इसका एक्स है इस वाले का, तो इसका भी एक्स होगा, इस वाले का भी एक्स होगा, तो इस वाले का भी क्या होगा, एक्स होगा। आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ इसको। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, हमने ये माना अभी तक। और जो ये रेड वाला है, इसको मैंने कह दिया ये वाई है, तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, और ये भी क्या है, वाई है। तो मैंने जो रेड वाले एरिया बच रहे थे उनको वाई वाई नाम दे दिया, और जो पीले वाले थे उनको एक्स नाम दे दिया। अब देखिए, अब क्या करना है हमने। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ, चलो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर और कोई भी एक भुजा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो, 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर की, एक जो हमारी साइड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 × 8, 8 का स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी डी का एरिया मुझे पता चल चुका है। अब मेरे पे देखो कि मेरे को अगर ये वाला फाइंड करना है, कौन सा वाला, एक्स वाला वाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 बार एक्स है, 4 बार एक्स प्लस 4 बार वाई जोड़ूंगा, 1 2 3 4, 4 बार वाई जोड़ा, 4 बार एक्स जोड़ा और 4 बार वाई जोड़ा, तो ये मुझे क्या दे रहे हैं, ये मुझे ये पूरा का पूरा जो हमारा स्क्वायर है उसी का एरिया के बराबर तो है। 4 बार एक्स का एरिया जोड़ा, 4 बार वाई का एरिया जोड़ा, तो पूरा का पूरा स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर 4 को मान लेता दोनों में से, तो ये कुछ इस प्रकार से बचता 4x + y = 64। अब ये 4 यहाँ आ जाता तो ये डिवाइड कर देता 64 को, तो ये क्या बचता मेरे पे, x + y = क्या बच जाता, चलिए कम 4 4 6 24 16। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, x + y मेरे को कितना मिला, 16 मिला। अब मैं इस वाले सेमी सर्कल में आता हूँ, जो ये ए ओ बी ये वाला सेमी सर्कल, ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, इसकी बात करते हैं। तो आपको एक चीज़ पता है कि ए बी तो डायमीटर है, अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस पता करनी है तो मिड पॉइंट मतलब जो हमारा डायमीटर है उसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी ए से यहाँ तक, 4 हो जाएगी। रेडियस कितनी होगी, ये ए बी जो डायमीटर है उसकी आधा होगी, तो पूरी की पूरी 8 है, तो इसका आधा कितना हो गया, 4 हो गई। तो अगर मैं एरिया ऑफ ये जो सेमी सर्कल है ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी का फाइंड करना चाहूँ, तो सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, 1/2 πr²। अब आर की वैल्यू रख के देख लो, आर की वैल्यू कितनी है, आर 4 है, तो 4 की आर के स्क्वायर की देखो, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, तो 2/16 होगा। तो ये फाइनली कितना बच रहा है यहाँ पे, 8 πcm². तो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया आया 8 πcm². अब मुझे ये चीज़ पता है, यहाँ से देखो इस सेमी सर्कल का जो एरिया बन रहा है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, x + y + x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + y + x = कितना हो गया, 8 πcm², x + y + x क्या है, सेमी सर्कल का एरिया बन रहा है, और सेमी सर्कल का एरिया कितना है, 8π। तो मैं यहाँ से x + y + x = कितना लिख सकता हूँ, 8π लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू, x + y की वैल्यू निकालू, ये कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x + y = हो जाएगा 8π। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड माना। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ही है, इक्वेशन सेकंड ही है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, जो हमने पीला रीजन है हमने उसको एक्स मान रखा है, तो एक्स की वैल्यू पता करनी है जी। तो वाई कैंसिल आउट आसानी से हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस कर देता हूँ, तो करो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही तो करते हैं, वैसे यहीं पर हो जाता है आपका काम। ये यहाँ पे x + y = 16, इधर वाला लिखा हमने 2x + y = 8π, तो ये माइनस की, तो ये सारे के सारे साइन और माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो ये एक्स में से 2x गया, तो ये माइनस का एक्स बच गया यहाँ, और ये वाई में से वाई गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा मैं मेरा, 16 में से माइनस का 8π बचा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस माइनस के साइन को हटाता हूँ, यहाँ से माइनस के साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरे पे, 8π - 16 बच जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या बचा, 8π - 16 बचा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिख सकते हो कि हम अगर 8 को मान ले दोनों में से, तो ये अंदर क्या बचेगा, ये तो पाई बच जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, एक्स की वैल्यू मिली 8 × π - 2, यानी कि जो ये पीला वाला है एक, एक की वैल्यू मेरे को मिल गई, एक का एरिया मुझे पता चल गया कुल मिला, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 8 × π - 2 cm². तो हमें तो पूरे के पूरे जो येलो शेडेड रीजन है उनका एरिया फाइंड करना था, तो यहाँ कितने येलो शेडेड रीजन है, 4x, तो एरिया
ऑफ टोटल येलो शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 4x क्या, तो 4 इंटू एक्स करके देखो, एक्स की वैल्यू है कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 पाई माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो रास्ते सीधे आपका 4 8 32 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक्स 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 ये पीला वाला रीजन है, इसका एरिया कितना आ गया, 32 पाई माइनस 2 स्क्वायर। और आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 32 पाई माइनस 32 इंटू पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे। एक और मेथड भी लगा सकते हैं वैसे, वो आप लोग ट्राई करना। उसमें हम ये करेंगे, उसमें हम पता कैसे बनाएंगे इक्वेशन, उसमें हम ये करेंगे कि हम कहेंगे चलो जी, जो हमारा क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, उसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, स्क्वायर के एरिया में से मैंने कहा ये दो जो सेमी सर्कल लाइन का एरिया माइनस किया, तो यहाँ पे 2y के रूप में कुछ इक्वेशन बनेगी, फिर वहाँ से अगर मैं सॉल्व करता जाऊँगा तो मेरे पे y का कुछ वैल्यू आएगा, y की वैल्यू आएगी, जो उसको मैं क्या कर दूँगा, जो स्क्वायर का मतलब 4y निकाल दूँगा वहाँ से एरिया, चलो करके देख लेते हैं, उसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से आपको, वो जगह अभी कमी है ना, ये कॉपी भी नहीं हो पाएगी, ये कुल मिला के मैं यहाँ पे एक ग्राफ डायग्राम बनाता हूँ फटाफट। देखो ये कुछ इस प्रकार से था हमारा डायग्राम, अगर देखा जाए ये था स्क्वायर, ये हमारा ऐसे कुछ होगा, ये एक सेमी सर्कल रहा होगा, ये इधर से रहा होगा, ये इधर से रहा होगा ऐसे, और ये इधर से रहा होगा ऐसे। अच्छा पानी नहीं रहा, दिक्कत यही तो है इसमें। तो देखो जी, ये फिर से हम लागे इस डायग्राम को, तो अभी हमें फिर से क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये ए बी सी डी ऐसे करके है, ए बी सी डी था यहाँ पे, ये बीच का पॉइंट क्या था, ओ था। तो अभी क्या मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम क्या करेंगे, हमने ये कहा था पिछली बार, पिछली बार हमने क्या कहा था, इनको एक्स 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 नाम दे दिया था, इनको वाई 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 नाम दे दिया था, और ये हमारी एक जो साइड थी वो कितनी थी, हमारा एक स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर थी। तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मुझे पता है एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 8 8 8 8 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या अपना फाइंड करनी, नेक्स्ट टाइम मैं ये कह रहा था कि इक्वेशन दूसरे तरीके से बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा कि इस टाइम मैं ये लिख सकता हूँ कि इसके एरिया में से, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया है, उसमें से अगर मैं दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करता हूँ, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इसमें से माइनस करता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सेमी सर्कल को एस सी से डिनोट कर दिया, एस सी, तो ये मुझे क्या देगा, जैसे ये दो सर्कल सेमी सर्कल है, ये और ये, तो मैं इन दोनों के एरिया को माइनस कर देता हूँ पूरे के पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो ये वाई और वाई क्या दे रहा है मेरे को, 2y के बराबर दे रहा है, वाई प्लस वाई तो बचेगा, ये वाला माइनस किया, ये वाला माइनस किया पूरे स्क्वायर में से, तो वाई प्लस वाई बचेगा, वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का तो पता है, एरिया ऑफ एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, अभी अभी हमने पीछे निकाला था एक सेमी सर्कल का एरिया, चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, वैसे बार बार क्या देखना, ये निकाला था हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला था, तो कितना आया था, 8 पाई के बराबर आया था, कितना आया था, 8 पाई के बराबर, तो एक का 8 पाई हो गया, तो ये 2 हो घटाया मैंने, इसलिए 2 टाइम्स किया है इसका, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी हो गया 64 माइनस इसका 2 टाइम, एक का एक से सेमी सर्कल, उसका एरिया 8 पाई है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 16 पाई, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 16 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2y हो जाएगा अपनी जगह। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू लिख सकता हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 8 पाई, y की वैल्यू क्या आएगी, 32 माइनस 8 पाई, तो एक जो y है उसका एरिया मुझे पता चल गया कितना है, y 32 माइनस 8 पाई स्क्वायर, तो पूरे के पूरे 4 का कितना होगा, 4y हो जाएगा, जो यार रेड वाले हैं, अगर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था रेड वाला रीजन का पूछ देता ऐसे करके, तो आप रेड वाले का भी पता कर सकते हैं, है ना, आप ये भी देखिए रेड वाला का भी पता कर सकते हैं आसानी से। अब ये 4y कर देता मैं यहाँ से 4 के 4 के लिए, तो वह एक का ही इतना है, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 4 टाइम हो जाएगा कितना, 32 माइनस 8 पाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो गया ये 4 दुनिया 8 4 3 12, 128 माइनस 4 8 32 पाई, तो ये जो ये रेड वाले हैं इनका एरिया पता चल गया मुझे, 180 माइनस 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली अगर मुझे सिर्फ ये येलो वाले का पता करना है, तो अगर मैं पूरे के पूरे स्क्वायर में से ये रेड वाले माइनस कर दूंगा, तो येलो वाले ही बचेंगे, येलो वाला जो रीजन है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, येलो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ येलो रीजन, येलो रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, जो हमारा स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना था 64 में से माइनस करो हमारा जो रेड वालों का एरिया है 128 माइनस 32 पाई। अब ये अगर मैं ब्रैकेट हटा देता तो ये तो प्लस का था, ये माइनस हो जाता, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाता। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो 128 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, कितना रहेगा 128 में से 64 माइनस होगा, तो ये रहेगा आपका जी 8 में से 4 गया 4 और 12 में से 6 गया 6, तो -64 + 32 पाई इतना आ रहा है ये एरिया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 32 पाई माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 32 को मान ले लोगे आप, तो 32 को मान लिया तो क्या बचेगा, अंदर पाई माइनस 32 64 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 माइनस पाई भाई 32 इंटू पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से ये आया येलो शेडेड का रीजन। और पीछे से क्या आया था, पीछे से भी देख लो हमारा कितना आया था, 32 इंटू पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा आप किसी भी मेथड से कर सकते थे, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, धन्यवाद।